Hello student, today I will teach class 6 chapter 5 separation of substance yani padarthon ka prathakkaran yani unko kis tarike se unme se unki chhatai ki jaye. Sabse pehle isme hum janenge ki pure substance kya hai. What is pure substance? Pure matlab aisa substance jisme single ek atoms ya ek molecule se bana koi padarth hai to usko hum pure bolte hain. जैसे कि अगर हम कोई भी चीज़ है जैसे उसको पूरी तरह से उसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल से वो पूरी तरह जैसे आयरन हो गया या अगर वो जिंक है तो जिंक ही है. इस टाइप के बहुत सारे पदार्थ हैं जो सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल उसमें हो या एक ही आइटम हो तो उसको हम प्योर बोलते हैं. प्योर सब्सटेंस के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिनमें सबसे पहले एवरी प्योर सब्सटेंस हैज ए डेफिनेट बॉइलिंग पॉइंट. कोई भी प्योर सब्सटेंस होगा उसका डेफिनेट पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है यानी एक निश्चित बॉइलिंग पॉइंट उसका होता है. कोई भी प्योर सब्सटेंस होगा उसका एक निश्चित बॉइलिंग पॉइंट होता है. जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है. इसी तरीके से सेकंड पॉइंट आपका है इसका डेफिनेट जो होता है एवरी प्योर सब्सटेंस है डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट. इसका मेल्टिंग पॉइंट भी डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट. सभी प्योर सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट भी निश्चित होता है. जैसे कि अगर आप देखेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट आपका वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस. इसी तरह और भी अगर कोई सब्सटेंस है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है. जिस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है उसी तरह से मेल्टिंग पॉइंट भी अलग अलग होता है. तीसरा है एवरी प्योर सब्सटेंस हैव डेफिनेट प्रॉपर्टीज. और सभी प्योर सब्सटेंस की एक निश्चित प्रॉपर्टीज गुण होता है उनमें. वे एक समान एक निश्चित गुण पाए जाते हैं तो इस तरह पर हम किसी भी प्योर सब्सटेंस को पहचान सकते हैं कि वो प्योर सब्सटेंस है. अब अगर मिक्सचर क्या होता है ये तो हुआ प्योर सब्सटेंस की बात. अब हम मिक्सचर की बात करेंगे. व्हाट इज मिक्सचर यानी मिश्रण क्या है. जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस एक ही सब्सटेंस में दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिले होते हैं तो उसे हम मिक्सचर बोलते हैं. जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपका वाटर है वाटर में आपका जो है या मिक्सचर जो है सॉलिड भी हो सकता है लिक्विड भी हो सकता है गैस भी हो सकता है और तीनों मिला हुआ भी हो सकता है. जैसे सॉलिड मिक्सचर हुआ कि अगर हम आयरन फिलिंग में है और उसमें जो है आपका कोई दूसरा भी मिक्सचर मिला हो तो वो आपका मिश्रण कहलाएगा. इसी तरीके से अगर जैसे सैलिन वाटर है समुद्र का पानी है तो वो प्योर नहीं होता उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं तो उसमें कई पदार्थ मिले होते हैं तो वो आपका मिक्सचर हुआ. इसी तरह सॉलिड लिक्विड और गैस का भी मिक्सचर जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसमें वाटर भी होता है गैस भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है और इसके अलावा उसमें शुगर भी रोज भी होता है. तो सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों चीज़ें मिली होती थी. इस सब तीनों में आप हमने देखा कि प्योर सब्सटेंस क्या हुआ जिसमें कोई ए सिंगल एटम्स या मॉलिक्यूल से बना हुआ पदार्थ जो है वो आपका प्योर कहलाता है. और प्योर सब्सटेंस के जो गुण होते हैं उसमें एक डेफिनेट बॉइलिंग पॉइंट होता है उनका एक निश्चित बॉइलिंग पॉइंट होता है उनका एक निश्चित मेल्टिंग पॉइंट होता है उसी तरह उनका एक निश्चित उनमें प्रॉपर्टीज पाई जाती है विशेष गुण होते हैं. अब मिक्सचर में क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स मिलकर कोई सब्सटेंस बनता है तो वो मिक्सचर कहलाता है. हम इस चैप्टर में हम बात करते हैं कि मिक्सचर वैसे तो मिक्सचर बहुत सारे मिक्सचर जो होते हैं वो हमारे लिए उपयोगी होते हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें मिली होती हैं पदार्थों में जो इम्प्योरिटीज के रूप में होती है और उनका सेपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है तो उनको शुद्ध करना बहुत ज़रूरी होता है. और हम इस चैप्टर में इसी को पढ़ेंगे कि उनको किस प्रकार से किसी भी सब्सटेंस में से
अनचाहे पदार्थों को हम किस तरीके से सेपरेट करते हैं, इसके लिए बहुत सारे मेथड हम यूज करते हैं जिनको हम बारी बारी से जानेंगे। जैसे सबसे पहला मेथड है हमारा विनोइंग। विनोइंग विनोइंग मींस होता है मेथड सेपरेटिंग ऑफ लाइटर पार्टिकल्स ऑफ लाइक मिक्सचर, यानी किसी मिक्सचर में से हल्के पार्टिकल्स को निकालना, और इसको निकालने के जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पछोड़ना या हवा के द्वारा हल्के पार्टिकल्स को उड़ा देना। जैसे अगर गेहूँ की फसल होती है तो गेहूँ में से जो भूसे को निकालने के लिए उसको जो है हवा में ऐसे करते हैं, जो उसको छाटते हैं तो उसमें से हल्के पार्टिकल्स जाके दूर गिर जाते हैं और गेहूँ आपका पास में गिर जाता है। इस मेथड को ही बोलते हैं विनोइंग। दूसरा है आपका हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग यानी हाथ से चुनना। जैसे घर में आपने देखा है कि आपकी मदर जो है जब चावल या बनाने जाती है तो उसको थाली में लेके उसमें से कंकर को चुनती हैं, तो उसको हम बोलते हैं हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग के द्वारा जिसको हमको विजिबल चीज़ें दिखती हैं, जो इम्प्योरिटीज दिखती हैं, उसको हम हाथ से उसको निकाल लेते हैं। ये इस जैसे सिर्फ बहुत सारे ऐसे ठोस चीज़ें जैसे दाल हो गए, दाल में अगर हमें कंकड़ है तो हम उसको छाट के निकाल देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं हैंड पिकिंग। तीसरा है आपका सीनिंग। यानी चालना, चलनी से चालना। जैसे अगर कोई भी सब्सटेंस है उसमें से कुछ पार्टिकल्स को हम चाल के भी निकाल लेते हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि आटा है, आटे में से भूसा निकालना हुआ तो उसको हम चाल के निकाल लेते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि घर जब बनता रहता है तो मजदूर जब सैंड को उसको चालते हैं और उसमें से बड़े बड़े कंकड़ को लेवल को निकाल देते हैं, इस तरीके से चालना। इसके बाद आपका जो है चौथा मेथड है आपका मैग्नेटिक सेपरेशन। यानी मैग्नेटिक सेपरेशन एक मैग्नेट से कुछ पदार्थ को मैग्नेट के द्वारा अलग कर लेना, उसमें से इम्प्योरिटीज को मैग्नेट के द्वारा अलग कर लेना। जैसे कोई अगर आयरन निकिल अगर इसमें है तो आयरन निकिल को हम मैग्नेट के द्वारा सेपरेशन कर लेते हैं। यदि किसी सब्सटेंस में आयरन या निकिल निकालना है तो हम मैग्नेट के द्वारा करेंगे तो उसमें आयरन और निकिल चिपक जाएगा और उस पदार्थ से ये अलग हो जाएगा। इसी आधार पर देखते हैं आप बड़े बड़े क्रेनों में मैग्नेट लगा रहता है, और अगर कूड़े की छटैया की जाती है उसमें लोहे आदि को निकालना होता है तो उसका यूज किया जाता है। फिर इसके बाद पांचवा है हमारा सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन, इसको हम आपका अगले वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू।